नहीं है। और पता है जी, हमसे पहली और मेन गलती जो हुई, इसने फिर आगे बड़ी गलतियों को जन्म दिया, क्योंकि वक्त थोड़ा है हजरत। पहली और मेन जो हमसे गलती हुई वो पता किधर हुई? वो हमसे हजरत जी ये हुई ये हमसे पहली और मेन गलती हुई किधर? ये था जरूरत, ये था हमने क्या बना दिया मकसद। मेन बड़ी गलती जो हमसे हुई, आपसे नहीं हमसे भी हुई। असि भी कहने पहले 40,000 अकाउंट जो फेर आवे, आपसे नहीं हमसे भी नाल ही अभी तेजन पहली हजरत गलती हुई। ये जरूरत था हमने वो मकसद है हमने जरूरत बना दी पहली और मेन। वो मकसद है हजरत, जरूरत नहीं रह गई है। क्यों पाजी? बीमार हो ये फिर ही याद करने हैं, परेशान हो तो फिर ही उसको याद करते हैं। औलाद नहीं हो रही फिर याद कर लेंगे, बेटा नहीं हो रहा फिर याद कर लेंगे, वो कारोबार में खींच लग गई फिर याद कर लेंगे, कोई और मामला हो गया। बाकी कौन उसको याद करता है? कौन उसको याद करता है? वो मकसद था हजरत, हमने उसको जरूरत बना दिया। ये जरूरत थी हमने इसको, और मौलाना रूम हजरत इसको मसनवी में हिकायत कर रहे हैं, फरमाते फिर सुनो, जो जो इसको अपना मकसद बनाने की गलती कर चुका है तो सुनो फिर हजरत, ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मौलाना रूम ने बकायदा इसको हिकायत किया है। फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, जब मस्जिद के करीब आए ना तो रास्ते में एक बच्चा रो रहा था, दिल माना ही नहीं बच्चा रोता छोड़ के जाने को। वो आ गए बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रख के पूछा, क्यों रो रहा है? वो कहता जी इसलिए रो रहा हूं कि मैं खेल रहा था और खेल खेल में ना मेरा 1 रुपया गिर के खो गया, उसके खो जाने पर रो रहा हूँ। फरमाया अच्छा, इतनी सी बात? अगर 1 रुपया मैं तुझे अपने पास से दे दूं तो तू खुश है? उसने कहा जी आप दे दें, कोई दे दे वो मिल जाए, जब है ही वजह 1 रुपया मैं खुश हूँ। बुजुर्गों ने जनाब अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, बच्चे को दिया, बच्चा खुश हो गया। हजरत खुशी खुशी नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ी, जिक्र अज़कार किए, दुआ की, जब वापस आए ना बाहर निकले मस्जिद से फिर रो रहा था। मौलाना रूम फरमाते हैं वो फिर गए और जाके पूछते हैं भाई अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहा है? वो कहता है जी इसलिए रो रहा हूँ आपने तो 1 रुपया दे दिया है, लेकिन वो जो खो गया ना कभी वो भी होता तो 2 रुपये होने थे। फिर इसी तरह ना ऐसे ही है, इसको कहाँ सुकून आता? बाज फकीरां किसे न मारिया, जालिम चोर अंदर दा हुआ। किथे इधर सैबरे तू किताबां पढ़िया फिर भी तालिब जरदा हुआ। जिसको इसकी भूख लग गई ये घसीट के कब्र में ले जाती है, इसकी भूख खत्म नहीं, खत्म। दिल करता पूरा आटा खरीदा, खरीद लो फिर सुकून आ जाता है। दिल करदा हूं पिंडी भी खरीदा, तो पिंडी खरीद लो फिर सुकून आ जाता है। दिल करदा हूं मंदरा भी खरीदा, तो बंदा मंदरा खरीदा होता तो मलकुल मौत। मियां जी अगे टाइम पूरा हो गया, वो मेरा अटक, मेरा पिंडी, मेरा मंदरा, और तेनू किने के अटक तेरा? तेरे तू पहले भी कहीं कहते रहे अटक मेरा, वो सारे कब्रस्तान पे ही नहीं, अगे हो तू ही, टाइम पूरा हो गया। पहले भी बड़े आए जेडे कहते रहे अटक मेरा ही है, ओ पे नहीं कब्रस्तान सारे। जमीन ने चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे नहाया कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तेनू कहने क्या अटक तेरा? कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क ए ओदाए लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द ओदाए। तेनू किन के अटकते रहे? अगे हो है?
ना पुत्रो इस काम च पई हो है जरूरत है एनू जरूरत रह पुत्र एनू हजरत उलमा कसीर तादाद में बैठे 18,000 जितनी भी हैं जी रूह जमीन पे मखलूक जितनी बस रही है हवा में है जमीन पे है जमीन के नीचे है पानी में है हजरत जी जितने भी हैं ना जितने भी टोटल जितने भी हजरत उनमें से वाहिद हम हैं जिनके पास एटीएम कार्ड है वाहिद हम हैं जिनके पास चेकबुक है वाहिद हम हैं जिनके बैंक में पैसे पड़े हैं वाहिद हम हैं जिनके पास वॉलेट है वाहिद हम में अगर वॉलेट नहीं है तो पॉकेट में पैसे हैं वाहिद हम में जिनके घर में प्याज जिनके घर में लहसुन जिनके घर में अदरक जिनके घर में मिर्चें जिनके घर में धनिया जिनके घर में दालें जिनके घर में हल्दी जिनके घर में नमक जिनके घर में मिर्चें जिनके घर में चावल जिनके घर में आटा जिनके घर में फल जिनके घर में फ्रिज ये सारा कुछ जखीरा पड़ा हुआ है बाकी इस लिहाज से इस अंदाज से और कोई मखलूक जमा नहीं करती लेकिन दुख की बात यह है कि उन सब में से परेशान भी सिर्फ हम ही हैं। गलती किधर हुई? इसको हमने मकसद बना लिया। मेरे मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु जुल्फिकार को कूफा के बाजार में हवा में लहरा के ऐलान फरमा रहे हैं, है कोई अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपना कुर्ता खरीदने के पैसे होते तो अली कभी भी तलवार न बेचता। और सुनो, ये तलवार कोई आम तलवार नहीं है, ये वो तलवार है जिससे कई बार अली ने गुलामी मुस्तफा का हक अदा किया। मकसद नहीं बना, मकसद सारी जिंदगी मेरे मौला मुश्किल कुशा ने अपना घर ही नहीं बनाया था। ये फक्र था मेरे मौला मुश्किल कुशा को, घर ही नहीं बनाया था। तो गलती किधर हुई? ये जरूरत हमने क्या कर दिया? ओ मकसद जरूरत रह गए। कौन याद करता है? अब उलब बैठे बैठे ना, मेरे तो को फतवा ना लग जाए। हमने उसको इतना बुलाया, हमने अपनी अपनी स्टेजों से निकाल दिया। क्यों जी? साड़ी स्टेजें को हमद है वे कारी साहब ने है जे कि हु अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु पढ़ छड़ी तो पढ़ छड़ी, बाकी उदा ना हुण स्टेजां ते भी गया हज़रत। और गल पुछो तो सारे का साढ़े का नहीं भाई, हजूर का नाम उसी का नाम कट छड़े सी उन्होंने अपनी स्टेजा तो कोई नहीं उसका नाम दे। ये को है को कारी साहब ने हु अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल गैबी व शहादा पढ़ छड़ी, बाकी हजरत तू कुरान की इब्तदा किस तरह करे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम कट छड़े हजरत तू स्टेजा तो भी असी अब कोई हमद नहीं पड़ता। ये तो जी बातें कल होगी ना जब मुस्तफा करीम के दरबार में जाए फिर पूछे। हजूर एक सहाबी को फरमा रहे हैं मुझे कुरान सुना, एक सहाबी को फरमा रहे हैं मुझे अर्ज करते हैं महबूब आपके कल भी अतर पे उतरा, मैं आपको कैसे सुनाऊं? फरमा कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है अपने महबूब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। निकल गई साड़ियां स्टेजा तू हमद आला हजरत क्या वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और गल करो तो सब कल कोई ना कोई जवाब होएगा, नहीं नहीं उन्हों का नाम ही है जी उन्हों का नाम। ठीक है भाई फिर होंगी उस दिन बात। तूली जुल लैल फिन्नहार व तूली जुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। والله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم। وہ ضرورت رہ گئے حضرت جو مقصد تھا سیدہ کائنات ساری رات نوافل ادا فرمائے کرتے، کچھ صوفیاء نے تعداد بھی لکھی 1000 لکھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی نا، अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
क्या करना, रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, तेरी रात ही मुक गई, कोई रात ते इस तरह दी बना फातिमा ना सदा ही मुकम्मल हो जाए। लेकिन क्या हुआ, वो जरूरत रह गया, वो जो मकसद था वो जरूरत रह गया। मेरे पीर साहब दी पग, मेरे पीर साहब दा गुस्सा, मेरे पीर साहब ये, मेरे पीर साहब वो, हाय हाय हाय, पीरां दे पीर, हुजूर पीर सैयद ना गौसे आजम रदी अल्लाह, सुनो ऐसन पीर शेख फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उनके पास ना एक आईना था। आपको पता आईना देखना सुन्नत, आईना देखना हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने भी आईना देखा। एक दिन हुआ क्या, खादिम सफाई कर रहा था, सफाई करते करते ना उसे आईना गिर के टूट गया, बड़ा घबराया। ये वाला दौर तो नहीं ना कि मोटरसाइकिल कड्डी ते जाके जनाब उतो बाजारों आईना चुक लेंदा, ना बाजार ना मोटरसाइकिल ना आईना। लेकिन खादिम ही तो गौसे आजम रदी अल्लाह होता, जिते चोर चोरी करना है तो कुत्तू बन के जाता है, तो जितनी खिदमत की हो उसमें कितने रंग आए होंगे। वो ठीक है, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वुज़ू फरमा लिया, फरमा के कहा भाई आईना तो ले आ, आईना टूट चुका था। अब वो ये नहीं कहता कि हुज़ूर टूट गया मेरे को, और क्या करता है, अज़ क़ज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हजरत मैंने नहीं तोड़ा, कज़ा आई थी टूट गया। अपना नाम ही नहीं लिया, अपना नाम निकाल गया बीच में, ज़ात को ले आया कि जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने महबूब का नाम सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अल कदा आए ना चीनी शुकिस, हजरत मैंने नहीं तोड़ा, कदा आई थी टूट गया। लिखा हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, फिर फौर मिसरा में लाया, वर्स करता है अल कदा आए ना चीनी शुकिस, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाबे खुद बीनी शुकिस, और चंगा यार टुट गया ना, वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नू याद करांगे।